हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s की ऐसी कार की जिसके दीवाना हर कोई था और अभी भी हैं, और इसे इंडिया की मसल कार भी कहा जाता है क्योंकि इसका बॉडी स्टाइल कुछ इस टाइप का ही था। इट्स माय प्लेजर टू मेक वीडियोज ऑन कार्स विच कंसिडर्ड एज ट्रू क्लासिक ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री। तो आप सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आज हम इतिहास के उस सफर में जा रहे हैं जहां इस कार को उस जमाने की सबसे लग्जरियस कार कहा जाता था। ये वो कार है जिसे द इंडियन लिमोजीन या फिर कुछ ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट इसे फर्स्ट इंडियन मसल कार भी कहते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा की। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा अपने ज़माने की शहंशाह है। जैसे सर अमिताभ बच्चन जी को शहंशाह कहा जाता है बॉलीवुड का, उसी तरह की ये कार है। उन्हीं के दौर की इस गाड़ी के अंदर एक स्टेयरिंग व्हील, चार दरवाजे और चार टायर्स हैं। सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। इसके अलावा भी इस गाड़ी के इतिहास काफ़ी रोचक है। कॉन्टेसा की काफ़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है, इसे एक एंटीक मास्टरपीस कह सकते हैं। 1970 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स एक नया मॉडल देख रही थी क्योंकि जब तक हिंदुस्तान मोटर्स ने सिर्फ एम्बेसडर को ही लॉन्च करा था, तो उन्हें अब एक ऐसी कार चाहिए थी जो कंपनी का फेस बने। और जब तक कॉन्टेसा लॉन्च नहीं हुई थी तब तक एम्बेसडर को ही कंपनी का फेस माना जाता था क्योंकि एम्बेसडर ने बहुत नाम कमाया था और नेताओं की गाड़ी कहा जाता है एम्बेसडर को, तो क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स की पहली पसंद होती थी एम्बेसडर। अगर आपको एम्बेसडर के बारे में ऐसे 10 फैक्ट्स जानने हैं जो शायद आपको पता हो, तो उस पर एक वीडियो का लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो हिंदुस्तान मोटर्स को एम्बेसडर के बाद एक मॉडर्न कार की जरूरत थी, तो वो मॉडर्न कार कॉन्टेसा बनी। द कॉन्टेसा हिस्ट्री हैज टोटल टू एराज इन इट। कॉन्टेसा एक्वायरिंग हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम वॉक्सहॉल विक्टर, एफी और वीएक्स सीरीज। कॉन्टेसा ने 1976 की ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कार वॉक्सहॉल विक्टर, एफी सीरीज और वीएक्स सीरीज से अपनी इंस्पिरेशन ली थी, या फिर उस पर ही बेस्ड थी अपनी हिंदुस्तान कॉन्टेसा। और उस वक्त ये वॉक्सहॉल विक्टर के बहुत से मॉडल्स आते थे। वॉक्सहॉल विक्टर का एक एस्टेट वर्जन भी आता था और इसमें काफ़ी इंजन ऑप्शंस थे इसके ट्रिम लेवल के हिसाब से। वॉक्सहॉल विक्टर में 1800 सीसी से लेकर 3300 सीसी तक के इंजन आते थे। तो इंडिया में ये कॉन्टेसा कैसे बन गई? तो उस वक्त दो बातें अचानक से हुई जिसने कॉन्टेसा को जन्म दिया। एक तो जनरल मोटर्स ने वॉक्सहॉल कंपनी को खरीद लिया था और उन दिनों ही हिंदुस्तान मोटर्स अपने लिए एक न्यू व्हीकल ढूंढ रही थी। तो जनरल मोटर्स ने अपनी हिंदुस्तान मोटर्स की मदद की और उन्होंने हिंदुस्तान मोटर्स को वॉक्सहॉल विक्टर के प्रोडक्शन टूल्स और टेक्नोलॉजी दी। और वॉक्सहॉल एक ऐसी कार थी जो यूके के अंदर 1978 में फेज्ड आउट हो गई थी, या कहा जाए तो उस मॉडल की प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी यूके में। आफ्टर एक्वायरिंग दोज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान मोटर्स स्टार्टेड प्रोडक्शन लाइन इन ऑर्डर टू बिल्ड द ऑल न्यू व्हीकल कॉन्टेसा। तो उत्तपरा कोलकाता के पास जहां एम्बेसडर बनती थी, वहीं कॉन्टेसा की प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हो गई और 1982 में पहली टेस्ट कार डेवलप हुई। और जब कॉन्टेसा इंडिया में लॉन्च हुई 1984 में, तो उस वक्त इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल बीएमसी बी सीरीज इंजन था जो कि 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लैस था। ये इंजन 50 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था जिसकी टॉप स्पीड थी 125 किलोमीटर पर आर की। और कॉन्टेसा का इंटीरियर इतना लग्जीरियस था कि उस वक्त भारत में बनी किसी भी गाड़ी का नहीं था, इसलिए ही इसे द लग्जीरियस लिमोजीन कहा जाता था और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ये पहली चॉइस होती थी। उस जमाने में इसमें पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और चिल्ड एसी जैसे कई अन्य फीचर्स आते थे जो उस वक्त के हिसाब से लग्जीरियस फीचर्स ही थे इंडिया जैसी कार के लिए। लेकिन इंजन परफॉर्मेंस कम होने की वजह से गाड़ी को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही थी, यानी कि इंजन काफ़ी अंडर पावर था। तो फिर हिंदुस्तान मोटर्स ने इसुजू, जो एक जैपनीज कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया और अपनी कॉन्टेसा में इसुजू का 1.8 लीटर का 4ZB1 पेट्रोल इंजन देना शुरू कर दिया और गियर बॉक्स में भी चेंजेस करे, 4 स्पीड से 5 स्पीड में अपग्रेड कर दिया गया, जिसकी वजह से कॉन्टेसा को इंस्टेंट सक्सेस मिली और अब इसका नाम कॉन्टेसा क्लासिक कर दिया गया और ट्रंक लीड पर भी क्लासिक का ठप्पा लगा दिया। और इसकी टॉप स्पीड हो गई इस इंजन के साथ 160 किलोमीटर पर आर की।
अब इसके अंदर पावरफुल परफॉर्मेंस भी थी और लग्जीरियस इंटीरियर भी था, जिसकी वजह से कॉन्टेसा रूल द इंडियन मार्केट। और जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में फैक्ट्स की बात करता हूं, तो एक फैक्ट बता दूं कि कॉन्टेसा ऐसी सेकंड कार थी जिसमें फुल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम था। उससे पहले सिर्फ ट्राइम की हार्लेट में ही यह सस्पेंशन सिस्टम दिया जाता था। बाद में फिर कॉन्टेसा के अंदर 1.8 लीटर का और 2.0 लीटर का इसुजु का डीजल इंजन भी दिया गया, और डीजल वेरिएंट के आने के बाद तो कॉन्टेसा की हर जगह वाहवाही थी। हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा ने पूरे 25 साल तक इंडियन मार्केट में राज किया था। और कॉन्टेसा कुछ ऐसी पुरानी गाड़ियों में आती है जिसकी बॉडी लाइन मॉडर्न मॉडिफिकेशन के लिए बेहतरीन मानी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा को इंडियन मसल कार भी कहा जाता है, या कहें तो इंडियन पोनी कार। तो उसका एक रीज़न इसकी मॉडिफिकेशन भी है। जैसे अमेरिका के पास फोर्ड मस्टैंग, शेवी कैमारो और डॉज चैलेंजर हैं, उसी तरह इंडिया में अपने पास ये हिंदुस्तान कॉन्टेसा हुआ करती थी। भले ही इसमें उन जैसी पावर्स नहीं थी और ना ही उन कार से इसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेसा के अंदर मॉडिफिकेशन और कस्टम बिल्ड के बहुत ही स्कोप हैं। ऐसे ही बहुत से एंथुजियास्ट ने इसे मॉडिफाई करके फोर्ड मस्टैंग या डॉज चैलेंजर जैसी कारों का रूप देने की कोशिश करी है, जो वाकई में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, जिस पे एक नज़र आपको भी डालनी चाहिए। ये सब बेहतरीन मॉडिफिकेशन देखने के बाद लगता है कि कॉन्टेसा को अभी भी इंडियन मार्केट में होना चाहिए था और कुछ नए इंजन और एस्थेटिक अपग्रेड्स करने के लॉन्च करना चाहिए था। लेकिन कॉन्टेसा की प्रोडक्शन 2002 में बंद कर दी गई थी, जिसका रीज़न था नई कंपनीज जैसे टाटा, टोयोटा और स्पेशली मारुति सुजुकी का इंडियन मार्केट में आना, क्योंकि सुजुकी की गाड़ियों का फ्यूल इकोनॉमी और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम था, और यही एक मेन रीज़न था कि उनकी गाड़ियाँ काफ़ी चल रही थी इंडियन मार्केट में। और इसी वजह से मारुति सुजुकी ने काफ़ी शेयर कैप्चर कर लिए थे इंडियन मार्केट में, और यही रीज़न है कि कॉन्टेसा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। और जब इसकी प्रोडक्शन बंद होने को आई, उस वक्त कॉन्टेसा के तीन मॉडल्स आते थे, 1.8 GLX जिसमें इसुजु का पेट्रोल इंजन था, 2.0 DLX इंजन जिसमें इसुजु का डीजल इंजन था, और 2.0 TD जिसमें इसुजु टर्बो डीजल इंजन था। लेकिन कॉन्टेसा अभी भी एक लेजेंडरी कार है और बहुत से ही कार कलेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस होती है, और पर्सनली मेरी भी फेवरेट कार है, तो कॉन्टेसा के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आज की वीडियो में इतने ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जहर की तरह अपने दोस्तों में फैला दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।